ना वी स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय डिवीजन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय डिवीजन शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला। इससे पहले मैंने आपको बेसिक से करवाया था, इंटीग्रेशन के रूल बताए थे, तो आज हमने करना है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल का मतलब क्या होता है, देखिए ये वाली स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन करना है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस वे से करना है। तो क्या लिखा है, इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर, अगर डिग्री जो है नोमिनेटर की, नोमिनेटर मींस जो ये ऊपर है, एक्स क्यूब ऊपर है ना, इसे नोमिनेटर बोलते हो। नोमिनेटर इज इक्वल टू, या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर होगी, है ना। तो नोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स जो 3 है, एक्स की पावर 3 है, वो ग्रेटर है ना एक्स की पावर 1 से, या तो वो इक्वल होगी, जैसे कि यहाँ पे भी एक्स की 1 है और यहाँ पे भी एक्स की 1 है ना। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री या तो इक्वल होगी, या फिर नोमिनेटर जो ऊपर है उसकी डिग्री ग्रेटर होगी नोमिनेटर से। तो आपने क्या करना है, डिवाइड द नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, आपने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। टिल द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन ऑफ द डिविजर, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा उसकी जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम कर लेते हैं, फर्स्ट है हमारे सामने इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 dx। तो आप क्या करोगे, डिविजन रूल के अकॉर्डिंग डिविजन करना, आपने एक्स प्लस 1 जो डिनोमिनेटर है उससे आप डिवाइड करोगे एक्स क्यूब को। तो किस पे डिविजन, होप सो आपको आता होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर पे अगर चलाते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा ना यहाँ पे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वेयर का मतलब, क्योंकि एक्स प्लस 1 है, हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो एक्स क्यूब किस वे से बन सकता है, अगर मैं एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँ तो बन सकता है ना। तो एक्स स्क्वेयर से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर बना। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में एक्स क्यूब है तो मुझे एक्स क्यूब ही चाहिए। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसी पे आप चला सकते हो, है ना। तो आंसर इतना आ गया, सिंबल चेंज होंगे, माइनस माइनस ये कट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर बचेगा। अब क्या करोगे, फिर से लिख लीजिए एक्स प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, एक तो माइनस चाहिए तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एक एक्स स्क्वेयर चाहिए तो सिंपल एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स आएगा, है ना। तो मतलब माइनस एक्स पे चलाने से क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स आ गया। अभी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर एक्स आ गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर लिख लेते हैं एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 को किस पे चलाऊं, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी सिंपल एक्स है, मतलब 1 पे चलाना पड़ेगा ना, प्लस 1 पे, प्लस 1 पे चलाएंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा, फिर माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। रिमाइंडर कितना आ गया, -1। दोनों ने लिखा था या तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो नॉमिनेटर से कम होनी चाहिए, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे है ही नहीं डिग्री, है ना, एक्स की 0 लगा लेते हैं, मतलब समझ गए ना आप लोग। तो अब इससे लिखने का वे क्या होगा, लिखने का वे ये होता है कि जो भी आपके सामने जो आंसर आया, ये जो ऊपर आंसर आ रहा है ना, ये जो ऊपर आंसर आ रहा है, इसे आप लिखोगे स्टार्टिंग में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आया है वो ऊपर जाएगा, मतलब माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, -1 डिवाइड बाय जिससे भी आपने किया, एक्स प्लस 1 से किया। तो इस वे से आपने लिखना है ना, वे जो है वो जरूर ध्यान में रखना है। अभी आप सेपरेट कर लोगे तो एक्स स्क्वेयर dx माइनस एक्स dx प्लस 1 dx माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 dx। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वेयर को क्या करोगे, एक्स क्यूब बाय क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर बाय स्क्वेयर प्लस एक्स और माइनस लॉग एक्स प्लस 1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना, प्लस सी यहाँ पे लिख सकते हो। तो फाइनली ये क्या बन गया, आंसर बन गया, समझ गए ना। तो आपने क्या करना, एक तो डिवीजन रूल आपको अच्छे से आना चाहिए कि डिवीजन आप किस वे से कर रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ, सेकेंड एक्स क्यूब एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 dx। इसमें देखो डिग्री सेम है ना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की, तो अगर डिग्री सेम हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को
डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें तो सिर्फ वन पे चलाओगे है ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो वन पे ही चलाना पड़ेगा। तो एक्स प्लस फाइव आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ये कट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस टू आंसर आएगा। अब क्या करोगे, लिखने का वे ध्यान में रखना है। तो जो आंसर आया वो आगे आएगा वन माइनस टू डिवाइड बाय एक्स प्लस फाइव है ना। तो ये जो लिखने का वे है ये आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, देन सेपरेट करोगे वन डी एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे वन बाय एक्स प्लस फाइव डी एक्स आएगा। अब क्या करोगे, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होगा वन का इंटीग्रेशन माइनस टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस फाइव। ओके लॉग एक्स प्लस फाइव, फाइनली ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, या फिर आपने कोई भी, आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो है ना, तो कंप्लीट अगर क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और इकोनॉमिक्स हब जो ग्रुप है टेलीग्राम पे वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो राइट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। टू एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। ओके तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर की डिग्री कम है तो आप एक्स माइनस वन से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा, टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है। तो देखिए स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वन, इसे सबसे पहले एक तो मुझे टू चाहिए और एक्स की स्क्वेयर चाहिए, तो क्या मैं टू एक्स से मल्टीप्लाई करूं, तो टू एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स बन गया ना। तो स्टार्टिंग का ध्यान में रखना है हमने, तो किसे किस पे चलाया था, टू एक्स पे चलाया, तो कितना बना, टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स बना, माइनस टू एक्स बना। तो अब क्या करोगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा आपस में, यहाँ पे कितना आएगा, थ्री एक्स आएगा, थ्री एक्स। अब फिर से लिख लेते हैं एक्स माइनस वन, किस पे चलाऊं, थ्री पे चलाऊं है ना, क्योंकि मेरे को सिर्फ थ्री एक्स चाहिए, तो क्या बनेगा, थ्री एक्स माइनस थ्री बन गया। किस पे चलाया आपने, प्लस थ्री पे, प्लस थ्री पे, तो कितना बना, थ्री एक्स माइनस थ्री, ये माइनस ये प्लस ये कट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल थ्री आएगा, सिंपल थ्री आ गया। अभी क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग लिखने का जो वे है वो क्या बनेगा, टू एक्स प्लस थ्री और रिमाइंडर कितना है, प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस वन है ना, एक्स माइनस वन। तो ये हमारे सामने आंसर आ गया इसका। अभी क्या करोगे, सेपरेट कर लीजिए, तो टू बाहर आ गया एक्स डी एक्स, प्लस थ्री बाहर आ गया, थ्री की जगह वन डी एक्स, प्लस थ्री बाहर आ गया और वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स, समझ गए, सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं, तो टू एक्स स्क्वेयर बाय टू प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और लॉग एक्स माइनस वन है ना, एक्स माइनस वन प्लस सी, तो यहाँ पे टू से टू कट हो जाएगा, देन क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, ये क्या आ गया, आंसर आ गया राइट, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए सिंपल है, इतना भी टिपिकल नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं है ना, काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जस्ट 1 मिनट वेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करवा देती हूँ। ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।